आज वीडियो में आप लोगों को लेके आया हूँ जाता डहा पहाड़ा वाली। यहाँ पे है दोस्तों माता का मंदिर। तो ये वीडियो आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह का वीडियो लेकर आ रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अभी हैं हम लोग दली राजरा से लोहारा जाने वाली रोड में, ग्राम पोपला टोला में। और यहाँ मंदिर भी है दोस्तों, माँ पहाड़ा वाली का पावन द्वार। तो इसी मंदिर का भी आप लोगों को दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों जाता दहा पहाड़ा वाली माता का मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के विकास खंड डोंडी लोहारा के अंतर्गत आता है दोस्तों। यह मंदिर दोस्तों जाता दहा और पोपला टोला के बीच में है। मतलब दोस्तों आप लोग राजनगांव से भी आ सकते हैं या दली राजरा रोड से राजनगांव के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आप लोग नवरात्रि के समय आ सकते हैं, शिवरात्रि के समय आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे नवरात्रि पे मेला टाइप से लगता है दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। दोस्तों जटादहा पहाड़ा वाली माता जी के यहाँ पे क्वार नवरात्रि में जो कलश दान किए हैं, कलश दिए हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखा है दोस्तों। दोस्तों जहाँ शिव है वहाँ नंदी है, यहाँ पे नंदी महाराज का सुंदर प्रतिमा स्थापित किया गया है दोस्तों। दोस्तों आप लोग कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहाँ आप लोगों को हनुमान जी का मंदिर मूर्ति जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ भी है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं दोस्तों घर बैठे। दोस्तों जटादहा पहाड़ा वाली माता का मंदिर पहाड़ी में होने के कारण यहाँ चारों ओर आप लोगों को हरियाली देखने को मिलेगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, एक बार जरूर यहाँ पर आइए। अगर इस रास्ते से जाते हैं तो एक बार दर्शन के लिए आप लोग आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान शिव भोले जी का मूर्ति स्थापना किया गया है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। आप लोगों को यह वीडियो और यहाँ का नज़ारा कैसे लग रहा है दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे आप लोगों को ले चलते हैं। आगे बहुत ही ऐसे कुछ देखने के लिए जगह है और मंदिर का भी स्थापना किया गया है, जो कि दोस्तों कुछ नया अनुभव करवाता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, और मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद आया हूँ। और देखने के लिए और यहाँ पर जाने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। श्री विष्णु तो आप लोगों को आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, सहारा भरा लग रहा है ना। दोस्तों यह मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं है, यह दोस्तों जहाँ माता जी रहती है वहाँ का दृश्य है। हम लोगों को यहाँ के माता जी प्रसाद लेने के लिए बुलाई थी तो हम लोग यहाँ पे आए थे दोस्तों। तो कुछ आप लोगों को अंदर का वीडियो दिखाने की कोशिश किए हैं दोस्तों। बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, यहाँ पे माता जी का मूर्ति है और बहुत अच्छा लगा दोस्तों अंदर में आके। तो आप लोगों को भी यहाँ का छोटा सा नज़ारा हम लोगों को दिखाते हैं।
क्या नाम है आपका? यथार्थ। तो कैसे रातिया बुंदिया बुंदिया बोलते हैं? राता लंबिया लंबिया कहते हैं। सुनने यार, और अच्छा से घूमने लायक जगह है देखने लायक? और शनि मंदिर सीधा जाना। देख क्या ना सुरेश, बहुत बड़े बड़े पत्थर है इधर। बढ़िया बनाया गया है यहाँ पे शनिदेव का मंदिर। छोटा सा यहाँ से नदी भी दिखाई देता है। दोस्तों आप लोग यहाँ से नजारा देख सकते हैं, जंगल है इधर और नदी भी है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाया गया है और यहाँ पे झूला है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा पर्दा में ढका हुआ था, इसे हम लोगों ने छोटा सा वीडियो लेने के लिए खोला था दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके दोस्तों। आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ का नज़ारा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी देख चुके हैं दोस्तों मंदिर का पूरा दृश्य, और अभी नीचे हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों नीचे आप लोगों को दिखाते हैं जो छोटी सी नदी है दोस्तों इस पहाड़ी के नीचे। और यही जो नदी है वो नदी आगे चल के गोंदली जलाशय का निर्माण कर, मतलब गोंदली जलाशय इसी नदी पे बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस नदी को। दोस्तों ये मुख्य मार्ग है जो कि लोहारा से दली राजा की ओर जाती है, और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो कुछ ही दूरी के नीचे में है ये नदी, और जब बारिश चलता है तो बहुत ही ज्यादा ये तेज बहाव में रहता है। तो देखेंगे बस दोस्तों नदी को, और हम लोग यहाँ पे कई बार आ चुके हैं। तो आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में पहली बार है ये जटादाह पहाड़ा वाली माता का मंदिर। दोस्तों यहाँ पे आप लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हैं, और देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत है यहाँ पे। जो नदी का पानी है वो है गाड़ी, मतलब यहाँ से आप लोग व्यू सुंदर नज़ारा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये छोटा सा नदी है जो कि गोंदली जलाशय में जाती है, और देखो छोटा सा चिड़ई पनबुड़ी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। देखिए दोस्तों इतना दूर नीचे उतरने के बाद आप लोगों को नदी के पास जाना पड़ेगा। दोस्तों इसे हमारे छत्तीसगढ़ में डंगनी बोलते हैं अपने गांव देहात में। और यहां पे आप लोग देखते हैं कि चैत्र और कुंवार में यहां पे जोत कलश स्थापना की जाती है। तो ये जो है खाली मटकी है, इसका आप लोग किस तरह से उपयोग करना चाहेंगे दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस पहाड़ी पे उतरने के दो रास्ते हैं, एक आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं और एक इधर से जा सकते हैं। दोनों रास्ता का आप लोग यूज कर सकते हैं। और छोटी सी पहाड़ी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगा दोस्तों यहाँ पे हरा भरा, और आप लोग भी आना चाहते तो आ सकते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों
कोपला टोला में है, लेकिन जातादाहा के नाम से जाना जाता है। और ये दल्ली राजरा लोहारा के बीच में पड़ता है दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्हाट्सएप में फेसबुक में शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आप लोग भी यहाँ आइएगा दोस्तों, नवरात्रि में यहाँ पे मेला लगता है तो आ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।